नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंडियन इन्फॉर्मेशन में। तो चलिए भाइयों, बात करते हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत नए डीपीआर को लेकर। यहाँ पर आप लोग देखिए, बहुत सारे भाई ने कमेंट किया है शहरी आवास योजना का नया डीपीआर कब से आएगा। जी हाँ भाइयों, शहरी आवास योजना का जो नया डीपीआर है वो कब से आएगा। और यहाँ पर देखेंगे सर, अयोध्या का ही डीपीआर के बारे में पूछा गया है कि अयोध्या का डीपीआर कब से बनना है। तो चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, एक भाई ने और भी कमेंट किया है कि यहाँ पर देखेंगे पीलीभीत। जी हाँ भाइयों, पीलीभीत का डीपीआर लिस्ट कब बनेगी। अब यहाँ पर एक भाई ने थैंक यू किया क्योंकि यहाँ पर थर्ड किस्त को लेकर मैंने एक अपडेट दिया है जो कि जेई महोदय बात किए हैं। जेई महोदय से बातचीत में पता चला है कि जो नगर पंचायत है, हर एक नगर पंचायत के कुछ वार्डों में, यानी एक एक वार्ड में 5 से 6 से लेकर 5 से 10 लोगों के बीच में ऐसे लोगों को थर्ड किस्त का पैसा भेजने की तैयारी चल रही है। मतलब 4 से 5 लोगों को भेजा जाएगा ऐसे ऐसे करके, बहुत अधिक मात्रा में नहीं भेजा जाएगा भाइयों, क्योंकि पेंडिंग तो बहुत सारे लोगों का है। तो चलिए भाइयों, आज की वीडियो बस इस पे है कि थर्ड किस्त का डीपीआर कैसे चेक करें और कौन सा डीपीआर कब बनना है। भाइयों चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे भाइयों, यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार, देखिए जो भुवान ऐप होता है कुछ इसी प्रकार से चेक किया जाता है। जी हाँ भाई, भुवान ऐप के तहत से ही चेक किया जाता है नया डीपीआर कब बन रहा है। और यहाँ पर देखेंगे डीपीआर की जो लिस्ट होती है, यहाँ पर रेंज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए बीएलसी हाउस। जी हाँ भाई, बीएलसी हाउस जो है यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, बीएलसी हाउस के अंदर जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार, ये जो सामने दिख रहा है आपको, जो डैशबोर्ड में दिख रहा है, इसको डीपीआर बोलते हैं। जी हाँ भाई, देखिए बेनिफिशियरी लेट कंस्ट्रक्शन डू यू 486, यानी 486 लोगों का डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर यूएलबी मेहदावल रिवाइज प्रोजेक्ट। जी हाँ भाई, 486, 655, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा। देखेंगे 430, 486, 655 और सामने देखेंगे 237 लोगों का कुछ इस प्रकार डीपीआर बनाया आपके सामने दिख रहा होगा। अब भाइयों देखिए, और नीचे स्क्रॉल भी करते आएंगे, नीचे भी बहुत सारा डीपीआर दिखाएगी देगा आपको, 1261, 20 लोगों का, 235 लोगों का। अब इसमें यू कैसे पता चले भाई नया डीपीआर कब बन रहा है और नया डीपीआर की सूची कब आ रही है। अगर आप लोग शहरी आवास सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई, तो आपको पता ही होगा कि डीपीआर क्या होता है और कैसे बनता है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, या फिर अगर लोग नहीं जानना है, जो भाई नहीं जानते उसके बारे में एक छोटा सा अपडेट दे रहा हूँ। जो सूची होती है ग्रामीण आवास योजना के लिए आवास की लिस्ट होती है, और शहरी आवास योजना के लिए वो डीपीआर लिस्ट होती है। बस इतना ही फर्क है डीपीआर लिस्ट में और आवास योजना की सूची में। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ भाइयों, देखिए मैं पहले आपको पहचानना सिखा दूँ डीपीआर बनता कैसे और नया कौन है पुराना कौन है। देखिए कुछ केसों में आपने देखा कि कुछ जगह पर फेज बनाया गया है। जी भाई, फेज जो होता है, यानी एक फेज, दो फेज, तीन फेज, चार फेज, इस प्रकार से, जैसे बिहार राज्य हो गया, और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर, मतलब समथिंग मुझे ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन देखिए यहाँ पर, देखिए जो यहाँ पर डीपीआर है, देखिए अगर आप लोगों का डीपीआर नीचे से स्टार्ट हुआ है, देखिए बहुत सारे भाई अगर आप लोग वहाँ रह रहे होंगे और निकालना जान रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, अगर नीचे से स्टार्ट हुआ है डीपीआर बनना आपका, तो जो नया डीपीआर है वो सबसे ऊपर होगा। जी हाँ भाई, सबसे ऊपर, देखिए जो डीपीआर है यहाँ पर 1124 लोगों का, अभी हाल ही में बनाया गया है, पिछले करीब 6 महीने हो गए, हाल ही के मतलब 6 महीने, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने के अंतर्गत, ये 6 महीने हो गए भाइयों। अब यहाँ पर नीचे का देखते हैं, अब जो नीचे डीपीआर है यहाँ पर देखेंगे, जो नीचे का दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर दिखाई, 6 लोगों का डीपीआर सबसे पहले बना था। सोच लीजिए, पहले सबसे मात्र 6 ही लोगों का आवास मिला था, अब ये 6 लोगों कौन से हो संग, वो भाग्यशाली भाई उन्हीं को पता होगा। और उसके बाद 235 लोगों का, फिर 20 ही लोगों का डीपीआर बना, फिर जाकर 1261 लोगों को आवास प्रोवाइड कराई सरकार। और जो डीपीआर 2016 का है, ये 17 का है, ये भी 17 का, ये जाकर 18 में बन के तैयार हुआ था। तो ऐसे कैसे पता करेंगे, ये जो लिस्ट है कैसे निकालेंगे डीपीआर की, मैं आपको बताता हूँ। अब डीपीआर से लीजिए भाइयों, डीपीआर से आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, आप दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर जब डीपीआर सेलेक्ट कर लेंगे, सारी चीज़ें डीपीआर सेलेक्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, देखो बेनिफिशियरी, यहाँ पर देखेंगे बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी में देखिए आलिया खातून, अमीना खातून, अमीना खातून, आरती, अब यार नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, सॉरी एक मिनट, देखेंगे यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार, देखिए सभी लोगों का नाम रहेगा भाइयों, आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार नाम दिखाई दे रहा है, यही आवास की लिस्ट का नाम है, यही डीपीआर रहे होता है भाइयों आप सभी को, बहुत सारे लोगों में। अभी मैं आपको एक चीज और डाउट आपको क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें, देखिए चलिए यहाँ पर करता हूँ। अब बहुत मेरे भाइयों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि देखिए यहाँ पर भी बिंदु देवी, यहाँ पर बिंदु देवी, बिंदु देवी, बिंदु देवी और बिंदु देवी, यानी टोटल 5 लोग और भी नीचे होंगे भाई, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए और भी नीचे होंगे, देखिए बिंदु देवी एक और हैं, ये जो महान भूभूति है यानी बिंदु देवी, 5-6 लोगों का, ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ही नाम है। अभी बहुत हाल ही में मेरे बहुत सारे भाई हैं जो उससे कमेंट किए हैं कि सर एक ही नाम के 5-6 लोग हैं, तो पता कैसे चले कि हमारा ही नाम होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए 5-6 लोगों में आपका नाम कैसे पता चलेगा जान लीजिए, बहुत आसान है भाइयों, ये जो नया डीपीआर है आपके सभासद के पास होगा,
जी हमारी इसकी जो सूची होती है नए डीपीआर की, आपके सभासद महोदय के पास होता है पहली पॉइंट। वहाँ पर जाएंगे, उनसे सूची में दिखाएंगे यानी चेक करवाएंगे, आपका नाम अगर बिंदु देवी से स्टार्ट है तो आपका बिंदु देवी होगा। उसके सामने जी भाई, उसके सामने आपका आधार कार्ड होगा जी भाई, आधार नंबर होगा प्लस बैंक पासबुक होगा यानी बैंक का नंबर होगा यानी बैंक खाता होगा भाइयों। तो यानी आपके पास वहाँ पर सारी चीज़ें आपकी मौजूद रहेंगी, तो इससे आपका पता चलेगा कि आपका नाम है कि नहीं। अब कैसे इसको निकालना है ये आपको मैं बता देता हूँ भाइयों, तो आप चलिए थोड़ा सा देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपना मोबाइल ओपन करिए, मोबाइल में गूगल ओपन कर लेंगे, गूगल ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, PMAY.U। थोड़ा ध्यान से भाई, PMAY.U इस पर ही आपको सर्च करना है। जैसे मैं सर्च कर दिया हूँ, सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट की लिंक आएगी देखिए यहाँ पर है जी भाई, पहली जो लिंक आएगी इस पर आपको क्लिक करना है, जहाँ मैं कर्सर बना रहा हूँ ध्यान से देखते रहिएगा, इस प्रकार इस पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यानी आप प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहाँ से शहरी आवास योजना का काम चलता है, जिससे आपको आवास योजना का लाभ भी मिल पाएगा। अब मेरे बहुत सारे भाई हैं जो आपको डेली मुझे अपडेट भी करते हैं और देखते भी हैं मेरी वीडियो, तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा भाई, और आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। देखिए यहाँ पर दो डॉट है, यहाँ पर एक सफ़ेद कलर का है, एक बार वाइट कलर को, सॉरी ब्लू कलर का है, दो दो थ्री डॉट हैं। अब इस पर पहले बार क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक नहीं हो रहा, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है ब्लू वाले पे, जहाँ पर मैं कर्सर बना रहा हूँ, पहले इस पर क्लिक करिए, फिर आपको क्या करना है इस पे देखिए क्लिक करना है, आपको यहाँ जो लिखा है ऐप गैलरी जी भाई, जहाँ मैं कर्सर बना रहा हूँ ऐप गैलरी, ध्यान से देख सकते हैं ऐप गैलरी जहाँ मैं ड्रा कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग ऐप गैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है दूसरे नंबर पर जी भाई, पहले से दूसरे नंबर पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ ऑप्शन नहीं होगा इसमें, सिर्फ फिर से आप उसी पेज पर आ जाएंगे। उस पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर फिर से आपको जो सफ़ेद कलर का थ्री डॉट है इस पर क्लिक करना है, क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल के आएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो बहुत सारा है ऐसे ऐसे करके, लेकिन आपको क्या करना है मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए एक प्रोग्रेस का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है जो हरा कलर का, इस पर क्लिक करते ही देखिए फिर से कुछ ऑप्शन ओपन आएंगे, आप नीचे स्क्रॉल करते आएंगे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जियो टैग इमेज, जी हाँ भाइयों जियो टैग इमेज, जियो टैग इमेज के सामने देखेंगे एक छोटा सा थ्री डॉट दिख रहा होगा, इस थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे फिर एक ऑप्शन खुल के आएगा, यानी एक एक ऑप्शन खुलता जाएगा, और ये प्रोसेस जो है बहुत ही जटिल है मेरे भाई, प्यार से और थोड़ा आराम से करिएगा, जब भी देखिएगा आराम से करिएगा। देखिए BLC हाउस, अगर आपको आवास सुनने का लाभ चाहिए तो भाई इतना तो कष्ट करना ही पड़ेगा, इस पर क्लिक करना BLC हाउस पे, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो गया जहाँ पर मैं आपको अभी समझा रहा था, यानी जो डैशबोर्ड होता है, देखिए जो भी JOE काम करते हैं, जो भी JEE आते हैं आपके पास, वो आपको भुवान ऐप के बारे में बताते हैं, देखिए भुवान HF डैशबोर्ड, जिसको आपको समझ में आया होगा, देखिए इंडियन जियो प्लेटफॉर्म ऑफ इसरो, यानी जियो टैग के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जियो टैग होता है जो, सब यहीं से चेक कर सकते हैं, आप लोग फोटो भी चेक कर सकते हैं कि आपका फोटो खींचा गया कि नहीं, आप लोग कहेंगे तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन भाइयों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, किसी भी भाइयों के पास शेयर करिए, किसी ग्रुप में शेयर करिए, जिससे किसी ना किसी का मदद हो पाए। तो चलिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर एक डेट पीरियड है, अगर आपको ज़्यादा पुरानी लिस्ट निकालनी है, देखिए यहाँ पर तो क्या है आज ही का 2023/6/11 दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा पुरानी लिस्ट निकालनी है तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा छोटा सा, देखिए कैलेंडर टाइप का, इस पर क्लिक करते हैं, करके दिखा रहा हूँ, देखिए कैलेंडर पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस हो जाएगा, देखिए जहाँ पर ऐसे करके आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पर क्लिक कर लीजिए आप लोग, सॉरी जून पे क्लिक कर लीजिएगा, जैसे जून पे करते थे, देखिए आपको जून का चाहिए, जनवरी का चाहिए, जनवरी से चेक कर सकते हैं, देखिए 7 महीने का हो गया, अब देखेंगे जनवरी का हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं 7 डिजिट रेंज है, इसमें आप लोग रेंज बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर आपको 7 दिन का चाहिए, नया DPR चाहिए तो इस पर रहने दीजिएगा, और नहीं तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जितने भी मेरे भाई अयोध्या से कमेंट किए थे, कुछ इस प्रकार आप लोग अयोध्या का भी चेक कर सकते हैं, तो ध्यान से देखते हैं, देखिए इस पर आपको क्या करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिला सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और बेनिफिशरी का नाम यहाँ से चेक कर सकते हैं आप लोग। और कुछ मेरे भाई जिनका फ़ोटो हुआ है कि नहीं, या फिर बहुत सारे लोगों का कहते हैं मेरा नाम ऐसा जी फ़ोटो भी खींच लिया गया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला दिया कंस्ट्रक्शन स्टेज पे, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे आप लोग तो यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखाएगा, देखिए अगर आपका काम शुरू हुआ है तो, जैसे क्या होता है फ़ोटो शुरू हो गया है तभी आपको दिखाएगा, इस पर क्लिक करके इस पर सेलेक्ट कर देंगे आप लोग, और उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं।
यहाँ जो आप लोग आराम से चेक कर देंगे तो इस प्रकार जैसे तो क्लिक करेंगे नीचे देखिए फोटो आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर अभी तो ऐसा करके दिखा रहा है क्योंकि क्योंकि मेरे भाई जितने लोगों का शहरी आवास योजना में अभी तक लाभ मिल पाया, देखिए एक ऐसे ऐसे करके जितने लोगों का, देखिए दो फेज खाली है, यहाँ पर देखेंगे दो फेज खाली है, बाकी फिर से आवास शुरू हो गया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे भाइयों हैं और यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट करके चेक कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसके अनुसार आपको कितना आवास का लाभ मिल पा रहा है और कहाँ पर कितने लोगों को आवास मिल रही है। और आगे की जानकारी मैं आगे भी शेयर करूंगा मेरे भाइयों, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए भाइयों। कम से कम 10,000 बार तो देखा जाए वीडियो, इतना शेयर करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाइयों। तो चलिए धन्यवाद भाई।